country? हर्ट करने का नहीं है बस काफी टाइम से मेरे जहन में ये सवाल था तो सोचा आप हिंदू लड़के से शादी क्यों कर रही हैं? आप जो मुस्लिम है अगर आपको बुरा लगा हो तो सॉरी सॉरी बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है लाइट कैमरा एक्शन बहुत दूर मैं आप लोगों से बहुत दूर होगी

मैं दो दिन दो दिन से तो मतलब मैं बहुत ज्यादा बिजी थी एंड देन मैं अपनी रूटीन वगैरह ठीक कर रही थी बिकॉज मैंने अब जो है वो कर लिया है कि रात में जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठना है बिकॉज यू नो इस तरीके से ही करना चाहिए सो so, इसलिए मैं लाइफ वगैरह भी नहीं लाइफ वगैरह तो मैं इसलिए बिकॉज आयुष को रैंक पुश करना था मेरे साथ होता नहीं है आप लोग बिल्कुल मुझ में खो जाते हो क्यों ओ मैं अली से कितनी प्यारी है <laughs> तो आप लोग इस चीज़ में खो जाते हो और यू नो तो इसलिए मैं नहीं आ रही था लाइक उसको रैंक पुश हो जाए समथिंग लाइक दैट तो अब मैं आ गई दोबारा ठीक है और इस वीक में आप लोगों को शायद ज्यादा व्लॉग्स मिलेंगे ठीक है सो हम आज करेंगे आप लोगों के मोस्ट क्वेश्चन आस्क का आंसर मतलब आप लोगों के जो क्वेश्चन है उनके हम आंसर करेंगे क्वेश्चन के आंसर ना करो तो लीज ट्रोल होती है कर दे तो ट्रोल होती है पहला क्वेश्चन द मोस्ट आसक्ट क्वेश्चन आप ही वेट लूज करना है प्लीज हेल्प मी हेल्प सम ओके तो इसके ऊपर आपकी आप ही एक पूरा व्लॉग बनाएगी मतलब टेंशन मनी है यार मतलब तो आपकी बहन जो है इस पर पूरा व्लॉग बनाएगी कि आपकी बहन उठ के क्या खा, खाती है <laughs> किस टाइम <ताँग> मांगती <होती> है मजाक कर रही हूँ क्या खाती है जिम में क्या क्या करती है एंड ऑल दैट स्टाफ सो यार डोंट वरी इसके ऊपर एक पूरा डिटेल व्लॉग आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही आप कब शादी करने वाली हो सो so, देखो मैं एक बात बताती हूँ मैं लाइव में तो मजाक मस्ती में मतलब ऐसी चीजें बोल देती हूँ कि मतलब आयुष को बोल देती हूँ कि आ, शादी करनी है और जल्दी एंड ऑल दैट स्टफ बट इफ यू आस्क मी आई एम नॉट रेडी मेंटली मैं अभी आपको बताती हूँ मैं इस तरीके की लड़की हूं कि मैं ना किसी पर डिपेंड नहीं कर सकती ठीक है मतलब आई नो के शादी शादी इज़ जस्ट लाइक के मतलब लड़की शादी करके चल जाती है एंड देन उसको लड़के पे पूरा डिपेंड होना होता है ना मैंने मैंने बचपन से ये चीज़ नहीं की और ना मैं ये चीज़ कर सकती हूँ सो so, मेरा मेरी मैंटेलिटी ऐसी है कि जितना मैं कमा रही हूँ ना उससे ज़्यादा मेरा बंदा कमाना चाहिए यू नो यहाँ पे जितना मैं कमा रही हूँ उतना वो इक्वल कमाना चाहिए तभी यू you नो know, एक जेलसी लेवल नहीं होगी एक इनसेक्योरिटी लेवल नहीं होगी एक बैलेंस की तरह रहेगा भले यू you नो know, वो मुझे ना बोले कि तुमने नहीं लगाना पैसे कहीं पे भी लेकिन ये ना हो कि मैं उसके क्रेडिट कार्ड से उसको ही गिफ्ट दे रही हूं इस तरीके से नहीं चाहिए मुझे एंड मेंटली आई एम नॉट प्रिपेयर अभी फिलहाल बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं जिसपे मुझे काम करना है मुझे खाना बनाना नहीं आता मुझे मुझे अभी लड़ाई को खत्म करना नहीं आता मतलब बहुत सारी चीजें एंड देन शादी के लिए आपको बहुत फ्री मिच्योर होना चाहिए सो आयुष तो आप लोगों को पता है कि कितना मेच्योर है तो <laughs> मुझे मुझे यू नो सो इट्स लाइक अभी टाइम है इनशाला भी तो एंगेजमेंट हुई हमारी एक साल हुआ यार लोगों की तो चार चार साल पांच पांच साल रहती है तो अभी रुक जाओ दो तीन साल तो रुक जाओ ओके नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज वन लानत फॉर हेटर्स क्या यार उनको इससे भी कुछ नहीं होगा लेकिन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन डोंट यू गिल टू चीट ऑन योर रिलीजन देखो ये कितनी बुरी बात है देखो कस्टम से मैं आप लोगों को एक बात बताती हूं ठीक है आप लोग ना अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकते हो ना तो अपने गटर जैसे मुंह को बंद रखो टू बी वेरी ऑनेस्ट ठीक है यू नेवर नो यू नेवर नो इफ यू थिंक दैट यू यू आर अ गुड मुस्लिम यू नेवर नो यू नेवर नो कि आपकी जो नमाजें वो कबूल भी हो रही है कि नहीं ऊपर ही जा रही है वो अल्लाह ताला आपके मुंह पे फिक फिक के मारे तो इस तरीके के मतलब ये जिसने भी लिखा है वो आई एम श्योर कि वो लड़की या लड़का मुसलमान ही है तो इस तरीके के मुसलमानों ने सच्चा है कि आप मर जाइए मतलब किसी का दिल दुखाना किसी के बारे में ऐसा बोलना बिकॉज आई एम नॉट चीटिंग ऑन माई रिलीजन यू डोंट नो एनी थिंक मा शॉट एनी मैक्स क्वेश्चन आप पी आर यू ओलडर आई जस्ट लव एन यू कॉलमी अलीजे आप पी ओकेर देन आयुष भाई यस आई एम मेंटली फिजिकली इमोशनली yes i am and i'm proud of it like i am 23 and ayush is 22 22, God. he's 22 no 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 he's 21 he's 21 i'm 23 i'm going to be 24 on 16 july and he's going to be 22 on 29 september he says 30 september so yep it's like that yep i am older okay what you what you can feel when million of people say you Gorkhali bohari and also nepal ka buhari please say I feel proud of myself because I proved, right? मैंने ये चीज़ प्रूव करके दिखाई अदरवाइज आप लोग क्यों बोलोगे आप लोग क्यों बोलोगे मुझको मैंने ये चीज़ प्रूव करके दिखाई दैट आई एम अ खड़ी बुहारी एंड आई एम ऑनेस्ट एंड आई एम प्योर आई एम सो प्राउड ऑफ गॉड एंड आई फील सो गुड लाइक यू नो यू गाइज लविंग मी एंड ये बात मुझे अभी भी पता है दैट आयुष के साथ तो यू गाइज लाइक यू लव आयुष राइट आयुष तो आप लोगों का ही है बट आप लोग मुझसे उससे ज्यादा प्यार करते हो ये और ये चीज मैंने कमाई है दिल से एंड आई एम सो प्रारमे ओके वाई यू स्टॉप डूइंग हिजाब बाई द वे निकाब एंड हिजाब सूट्स यू थैंक यू सो मच इट्स लाइक आपने जो ये आ, वो किया है क्या बोलते हैं उससे क्वेश्चन किया है इट्स इट शोज दैट यू आर सच अ काइंड पर्सन थैंक यू सो मच फॉर योर लव पहली बात दूसरी बात ये कि देखो ये ऐसा टॉपिक है कि इसके ऊपर मैं बात ना भी करूं तब भी मुझे जो है ना गालियाँ सुनने को मिलेंगी बात करूं तब भी मुझे गालियाँ सुनने को मिलेंगी बिकॉज इस पे आ, आप जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते किसी को लेकिन मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि मैं मैं जो है आ, ऐसे बैकग्राउंड से आई हूं जहां पर जो है आ, कभी कभी ट घर वाले बट जो दतियाल नयाल वाले लोग होते हैं ना उनकी से आप अपने आपको बहुत इस तरीके से फील करते हो आप कुछ हो ही नहीं कुछ लोग आपको ऐसा फील करवाते हैं आउट ऑफ जेलिसी ठीक है इट्स दिस इज समथिंग के ना ये आप लोगों तो को पता होना चाहिए मैं शुरू से टैलेंटेड हूँ मैं शुरू से ही, ही बहुत ज्यादा मतलब क्या बोलते हो दूसरे पर डिपेंड ना करने वाली बंदी हूँ ना तो शायद कहीं ना कहीं ये चीज़ मेरे मतलब उन लोगों को अच्छी नहीं लगती थी तो वो लोग इस तरीके की बात मेरे सामने करते थे तो जो मेरी नफसियात पे आ, काम करती थी और जिससे मुझे ये फील करवाया कि ओ माई गॉड आई शुड हाइड माई आइडेंटिटी और आई एम नॉट प्रिटी और यू नो मेरा कॉन्फिडेंस खत्म करने के लिए तो ये ऐसी चीज है जो मैंने ऑनलाइन की लेकिन मैं इस चीज़ को अभी भी रिग्रेट करती हूँ मैं मैंने सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए नकब किया था और हिजाब का अभी भी आई 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 ट्राई माई लेवल बेस्ट टू प्रैक्टिस इट बट द थिंग इज जब मैं हिजाब में वीडियोस बनाती हूँ या वो करती हूँ ना फिर मुझे वही हेट रेट मिलता है जो पहले मिला करता था सो so, अभी मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रही हूँ मुझे पता है कि आई एम गोना गेट मैरिड आई एम आई एम गोना हैव किड्स इस चीज से मुझे बहुत डर लगता है बिकॉज जो चीज मैंने देखी है ना वो मुझे आगे मुझे नहीं चाहिए कि वो उन लोगों को मिले तो मैं ऐसा-ऐसा अपनी वो आइडेंटिटी खत्म कर रही हूं सही है एंड आप किसी भी आ, उसको उठाकर देख लो आ, क्या बोलते हो से ब्लागर इन्फ्लुंसर समथिंग लाइक दैट अगर वो लोग हिजाबी ना उन लोग को सबसे ज़्यादा बैक लैश मिलता है बिकॉज उन लोगों ने अपने आप को ढाक के रखा होता है सो so, जो लोग हिजाब और निकाब करते हैं आई फील लाइक कि उन पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग थोप देते हैं कि नहीं तुम्हें सिर्फ चार दीवारी में रहना चाहिए और तुम्हें सामने नहीं आना चाहिए सो so, मैं मैं एक टाइम से ये बैक लैश क्या बोलते हो उसे बर्दाश्त करी थी अब मेरी बस हो गई है सो याप आहिस्ता आहिस्ता समथिंग लाइक दैट सो इट्स समथिंग लाइक दैट कि मैं उसको इसको जस्टिफाई नहीं कर सकती क्योंकि ये वीडियोज़ जब लगेंगी तब भी मुझे ट्रोल किया जाएगा मैं नहीं बोलूँगी तभी ट्रोल किया जाएगा uh, शर्यही नहीं किया मैंने अपने आप को छुपाने के लिए किया विच इज़ वेरी रॉन्ग विच इज़ वेरी अब मैं पर्सनली इस चीज़ को बहुत रिग्रेट करती हूँ कि मैंने काश अपनी पर्सनैलिटी को हाइड नहीं किया होता और वैसी रहती जैसी थी तो आज को मुझे ये जो है uh, नहीं देखना पड़ता बाकी Um, मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ आप किसी के हिजाब और निकाब से उसको जज मत किया करो कि वो कितना बेहतर मुसलमान है कितना बेहतर मुसलमान नहीं है समथिंग लाइक दैट या सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं द थिंग इज़ ये क्वेश्चन को अगर मैं जिस तरीके से भी आंसर करूँ ना उसकी उसको जस्टिफिकेशन मैं नहीं, नहीं दे सकती आप लोगों ने एक इमेज बना है सो so, आप यू डू यू नो बांग्लादेशी पीपल लव यू सो मच विल यू विजिट आर कंट्री पता है क्या मुझे मुझे इतना ज्यादा आजकल बंग्लादेश से प्यार मिल रहा था कसिब से हम और तुमोरो के बलो बशी इट मीन्स आई लव यू यस क्यों नहीं यार क्यों नहीं मैं आऊँगी ऑफकोर्स मैं आऊंगी यार यू you नो know, मैंने जिनसे कुरान पाक सीखा है मेरे कारि साहब वो बांग्लादेश के थे एंड टू से के अली तुम्हारा तजवी कितना अच्छा है तुम्हारा ये कितना अच्छा तो वो हमेशा मुझे बोलते थे तुम्हें बांग्लादेश को विजिट करना चाहिए सो अब तो वो नहीं है इस दुनिया में अलाउन को जन्त फिरदौस में जगह दे आमीन या रब ही वाज सच अ नाइस मैन ही वाज सच 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 अ नाइस मैन सो यप ऑफ कोर्स मैं बांग्लादेश विजिट करूंगी यार क्यों नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द बेस्ट रिलेशनशिप एडवाइस यू कैन गिव टू पीपल हु आर इन लॉन्ग डिस्टेंस मुझे खुद जरूरत है <laughs> मुझे खुद जरूरत है यार एडवाइज की तुम लोग मुझसे पूछ रहे हो क्या एडवाइस दो यार मैं ओके सो समथिंग लाइक के समथिंग अपने पार्टनर को एक स्पेस दो हमेशा ठीक है अपने पार्टनर को एक स्पेस दो उसके सर पे सवार मत हो उसको एक अपनी एक स्पेस दो अगर यू यू फील लाइक दैट ही इज़ बिजी और शी इज़ बिजी सो इट्स ओके गिव देम देयर स्पेस एंड ऑल दैट बिकॉज इफ दैट पर्सन अगर उसका मतलब अगर उसको, मतलब उस, उसको आपसे प्यार है तो वो आपके लिए टाइम निकालेगा एंड ऑल मतलब आप ना अपने आप को वो मत करो किसी के पीछे मत लगाओ कि यार ये ये मतलब अपने अपने आप को ना एक इस तरीके से रखो आप कि दैट यू हैव अ पर्सनैलिटी एंड आप आपकी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है और uh, और क्या आप लोगों को मैं एडवाइस दूँ कभी भी क्या बोलते हैं उसको किसी तीसरे बंदे को अपने uh, लड़ाई झगड़ों में मत इन्वॉल्व करो या दैट्स मेन थिंग गिव स्पेस प्रियोरिटाइज योर एंड तीसरे बंदे को अपने uh, रिलेशनशिप में एड मत करो ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट आर द थिंग्स दैट यू लव अबाउट नेपाली कल्चर एंड ट्रेडिशन एंड वाई आई एम नॉट सो मच फेमिलियर जो जितना मुझको पता है like, लाइक मैं एक ओवरऑल बात करूंगी जो मुझे नेपाल की अच्छी लगती है और जो मैं नेपाल के लोगों से सीखी है द फर्स्ट थिंग इज इट्स 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 काइंड ऑफ अ वेर्ड बट मुझे अच्छी लगती है हजूर लाइक like, हजूर लाइक like, आप लोग मतलब कोई भी आपको बुलाता है बड़ा या छोटा तो आप लोग बोलते हैं हजूर लाइक ऐसे इधर आओ जी मैं आई पाकिस्तानी से बोलते हैं ना तो आप लोग कहते हैं इधर आओ हजूर तो so, वो एक हजूर वर्ड में ही सारी चीज हो गई कि हाँ ओके okay. सो so, ये हो गया फर्स्ट एंड देन द सेकेंड थिंग मुझे आप लोगों की क्या अच्छी लगती है ग्रीटिंग जिस तरीके से आप लोग करते हो ना बड़ों को ऐसे दर्शन इस तरीके से वो और uh, मैंने अभी तक आप लोगों का दर्शन नहीं वो किया है बट आई फील लाइक कि वो मुझे एक बार करना चाहिए वो भी काफ़ी एट्रैक्टिव uh, लगता है मुझे और क्या है यार बहुत सारी चीज़ें मैं तो इस पर किताब लिख सकती हूँ और धूरी बैटल धूरी बैटल इज़ माई फेवरेट आई डोंट नो फिर इट्स कमिंग कल्चर में आता है यार हाँ कल्चर में आता है और 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 द रॉयलो जैसे कि आयुष बताता है दैट मतलब जैसे कि गोर खलीज एंड आप लोग कभी किसी के सामने झुके नहीं और किसी को अपने मुल्क पे काबू नहीं करने दिया सो यू नो दैट फील सो घुस बम जाते हैं उसको सोच कर कि यार सो ये नेक्स्ट ओ अम यार नेपाली कल्चर कल्चर की जो ज्वेलरी है वो शादी के बाद आप हर टाइम पहनी रहेगी सो दिस पर्सन ये पक्का पाकिस्तानी होगी मेरी बहन नहीं यार वो जो मैंने उसमें बनाई थी वीडियोस पिक्चर्स जो वो थी वो इट्स जस्ट लाइक कि आपने uh, उन डेज में पहननी होती है जब आपका मतलब जब आपके मतलब वो आता है ना जैसे कि आप जैसे इनको का जैसे ना जैसे कि न्यू ईयर आ गया मतलब कुछ खास दिनों में पहनने के लिए होते हैं हमेशा पह क्या सास बहू का सीरियल लगा हुआ यहाँ पर गोपी बहू लगी हुई हूं मैं यहाँ पर नहीं भाई कभी कभी पहनना होता है स्पेशल डेज में आई यू ट्राइंग टू लर्न टू कुक फॉर आयुष नो नॉट एट ऑल वाई डोंट यू हैव एनी चाइल्ड हुड फ्रेंड्स और इन जनरल इन दुबई थे, मतलब थे क्या दो थी लेकिन वो इतनी कुत्ते की बच्चियां निकली फिर मैंने उनको छोड़ दिया अगर आपको आयुष को और अपनी फैमिली में चूज करने बोला तो किस अगर आ, अगर आपको आयुष और अपनी फैमिली में से चूज करने को बोला तो किसको करेंगी चूज आयुष कभी भी ऐसा बोलेगा नहीं और ये तो तब होता है ना जब आप अपनी फैमिली को अपना फैमिली समझ रहे होते हो और दूसरे की फैमिली को अपना फैमिली नहीं समझ रहे होते तो ये तो तब होता है लेकिन मैं आयुष की फैमिली को अपना समझती हूँ आयुष मेरी फैमिली को अपना समझता है तो ये चीज़ कभी भी नहीं आएगी सिस हाउ यू यू आर टॉलरेटिंग दिस मच नेगेटिव थिंग्स दिस सोशल मीडिया सो हार्ड आई फील सैड वैन आई सी इट मुझे अब नेगेटिव कॉमेंट से फर्क नहीं पड़ता लेकिन मुझे उस चीज से फर्क पड़ता है जब मुझे बिला वजह करेक्टर एसोसिनेशन किया जाता है मेरे करेक्टर पर बात की जाती है बिकॉज मैंने अपने आप को प्रूव करके दिखाया है दैट आई एम ऑनेस्ट विद आयुष एंड आई एम ऑनेस्ट विद यू गाइज अगर मुझे अगर मुझे यही चीज़ करनी होती अगर मुझे किसी और के साथ ही चक्कर चलाना होता तो मैं ये रोज़ का हेटरेट क्यों ले रही होती मुझे एक बात बताओ मतलब कौन जाहिल का बच्चा होगा कि वो इतना बड़ा नाटक रचाए और रोज का हेट भी ले अपने कैरेक्टर में भी बात सुने नहीं ऐसे नहीं होता यार सो so, या yeah, मुझे नेगेटिव कॉमेंट्स से मसला नहीं है बस मुझे ना किसी के साथ जोड़ो मत बिकॉज आई आई अप्रूव माई सेल्फ सो या वॉट्स योर वीकनेस मेरी एक ही वीकनेस थी कि मेरा फेस रिवील ना हो किस कभी बिकॉज uh, जब भी मैं कहीं खाना खाने जाती थी लोग मेरी जो है हाफ पिक्चर लेके डाल देते कभी भी मैं जो है अगर आयुष के साथ होती थी तो लोग इस पॉइंट इस तरीके से पिक्चर्स देते थे कि मेरा फेस दिख जाए तो वो मेरी वीकनेस थी जो कि अब खत्म हो चुकी है वाई यू डोंट लिव इन पाकिस्तान योर पेरेंट्स आर पाकिस्तानी एंड वेन यू शिफ्टिड टू दुबई एंड वाई मेरे मेरे दोनों भाई बहन इधर पैदा हुए हैं और मैं पाकिस्तान से काफी टाइम बाद आई थी और मेरे, मेरे माँ बाप भी पहले शिफ्ट हो गए थे और मैं काफी टाइम बाद आई हूँ और uh, शायद तभी तभी इसी, इस, इसी, इसी वजह से शायद मैं थोड़ी डिफरेंट हूँ बिकॉज आई डोंट हैव दैट दुबई के बच्चों वाला नखरा दुबई के वो वाला नखरा बिकॉज मैं ज्यादातर पाकिस्तान में रही हूँ तो आई एम स्ट्रांग ओके तुम कितनी बार उम्र पर गई हो मैं एक बार भी उम्र पर नहीं गई हूँ मैंने ये चीज़ संभाल के रखी है अपने सामान uh, के साथ जाने के लिए सो यू आर नेचुरली ब्यूटिफुल सो वाई यू डू टू मच मेकअप एंड वाई यू यूज फिल्टर एक औरत होकर एक औरत से ये सवाल करना बहुत ही बुरा है यार मत करो यार मतलब ओके इफ आई एम नेचुरली ब्यूटिफुल बट फिल्टर और ये वो वाई uh, यार जवाब क्या दू बिकॉज़ मेरा दिल करता है सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एग्जाम्पल इफ आयुष कम इन योर लाइफ वाई वुड यू बी सो हैप्पी फदर पीपल कम देखो ये सब अल्लाह ताला के हाथ में होता है आयुष भी जो आया है वो मैं खुद नहीं लेकर आई वो भी अल्लाह तला की तरफ से था सो so अगर आयुष नहीं होता तो कोई और होता और उसके साथ भी खुश रहना पड़ता बिकॉज वो मैंने खुद नहीं चुना होता ना अल्लाह तला ने चुना होता मैंने कभी भी किसी को अपने लिए नहीं चुना हाँ मतलब अल्लाह ने ही भेजे भेजा है मेरे लिए आयुष को तो मैं खुश हूँ मैं खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और अगर आयुष नहीं होता तो कोई और होता तो तब भी मुझे खुशी रहना पड़ता ये कैसा क्वेश्चन है यार ओके मेरा इरादा आपको हर्ट करने का नहीं है बस काफी टाइम से मेरे जहन में ये सवाल था सोचा पूछूं लूं आप हिंदू लड़के से शादी क्यों कर रही हैं आप जो तो मुस्लिम हैं अगर आपको बुरा लगा हो तो सॉरी सॉरी बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आई अंडरस्टैंड के एज अ व्यूअर आप लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूमती होंगी बहुत सारी चीज़ें घूमती होंगी बट प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस दैट आई नो आई नो एवरी थिंग एंड आई एम नॉट डूइंग एनी थिंग विच विल मेक अला एंग्री सो so, आप लोगों को भी इस चीज को वो नहीं करना चाहिए कसम से बिकॉज आई नो माई लिमिट्स एंड आई नो आई एम डूइंग सो आप लोग बस हमारे लिए दुआ क्या रहे बाकी अला करीम इफ यू वॉन्टेड टू चेंज समथिंग फ्रॉम योर पास वॉट इट बी वॉट इट वुड बी माई डिसीजन ऑफ हाइडिंग माई सेल्फ बाई टेकिंग हिजॉब इनका वॉट डज इट से ऑन योर नेकलेस आई डोंट ओके सो इस पर बहुत एक फनी चीज है सो लुक ये इसको हॉर से देखो मैं इसके एक पिक्चर भी लगाऊंगी ठीक है सो इट सेम और ये मुझे मेरी मामा ने पहनाया था जब मैं चौदह साल की थी हा फोर्टी बर्थडे पर नेक्स्ट क्वेश्चन विल यू बोज शिफ्ट टू नेपाल और स्टेन यू आफ्टर मैरिज और यू विल विजिट अला अलानोज वी डोंट नो एनी थिंग जहाँ पर नसीब हुआ यार अभी शादी के बारे में हम लोग अभी नहीं वो करें तो शादी के बारे में तुम तो लोग इतना क्वेश्चन क्यों पूछते हो पागल बोहरी अरे नानी वट आर दिंग्स डैट मेक यू स्माइल मैं बहुत सिम्पल uh, से बंदी हूँ मैं बहुत छोटी छोटी बातों पर बड़ी खुश हो जाती हूँ स्मॉल स्मॉल थिंग्स स्मॉल स्मॉल थिंग्स लाइक मेरे बारे में ज़्यादा मतलब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे बारे में आप लोग छोटी छोटी चीज़ों को अगर वो करोगे ना तो मुझे वो चीज़ें Uh, खुशी देती है कि हाँ यार लोग छोटी छोटी चीजें मेरी नोट कर रहे हैं समथिंग लाइक दैट सो स्मॉल स्मॉल थिंग्स मेक मी हैप्पी है यार आपकी शादी कब है मैंने कुछ दिन पहले ख्वाब में आपकी शादी देखी थी बाकी अल्लाह खुश रखे आपको मुझे नहीं पता बाकी आपने मुझे ख्वाब में देखा तो मैं कैसी लग रही थी मुझे जरूर बताना बाकी अल्लाह आपको खुश रखे अल्लाह आपको भी खुश रखे आमीन आमिर हाउ डिड यू नो आयुष वॉज द वन बिकॉज द सेम थिंग आयुष और मैं जो मिले वो हम नेचुरली मिले और हमें नहीं पता था कि हम कभी ऐसे मिलेंगे भी सो इट्स इट वॉज अ साइन फ्रॉम अल्लाह सो यप इट्स ओब्वियस डेट यस ही वॉज द वन एंड देन यप खत्म और तो क्या ही बोलूँ मैं खुदा का खौफ करो बस ये लास्ट क्वेश्चन था खुदा का खौफ करो बस ओके सो आई टेल यू समिंग मुझे खुदा का खौफ है आप भी खुदा का खौफ करो बिकॉज अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि हुकूक अल्लाह मैं माफ़ कर दूंगा लेकिन हुकूक लिबाद ले मैं माफ़ नहीं करूंगा तो जो आपके अल्लाह ताला ने ज़ुबान दी ना आपको आपके मुंह के अंदर उसको यूज़ करने से पहले आप दो तो बारी सोचा करो कि एम आई हर्टिंग साउन बिकॉज जब आप किसी को हर्ट करते हो तो उसका भी हिसाब लिया जाता है और जब तक मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी अल्लाह ताला ने आपको माफ़ नहीं करना है इट्स प्रिटी क्लियर राइट आप कैसे मुसलमानों आपको हुकूक लि बात करनी पता नो वन इज परफेक्ट ठीक है तो इट्स बेटर के मुसलमान 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 हिंदू 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 करने से अच्छा है कि आप लोग एक अच्छे इंसान बनो पहले एक इंसान के बच्चे बन के पहले आप लोग अपने आप को ठीक करो अपनी ज़बान ठीक करो आपकी ज़बान से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचनी चाहिए कभी भी कभी भी नहीं पहुँचनी चाहिए सो so, या आप अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं हो तो आप एक अच्छे मुसलमान एक अच्छे हिंदू एक अच्छे क्रिश्चियन कैसे बनोगे ठीक है सो so, मैं इस चीज़ को बहुत मैं इस चीज़ की बहुत प्राउड हूं कि मैंने कभी भी किसी का दिल नहीं दिखाया ठीक है मैंने कभी भी किसी के साथ कभी किसी को अपनी जुबान से हर्ट नहीं किया एंटे एंडलेस यू नो कि उन्होंने भी मुझे हर्ट किया हो एंड यू नो दे 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 डिजर्व इट बट ऐसे किसी को नहीं किया जिनको मैं जानती ना हो जिनके बारे में मुझे कुछ पता ही ना हो और मैं उनके पीछे लगी हुई हूँ सो या आज का मेरा क्यू एन ए काफी यू नो वो हो गया है इन द नेक्स्ट मेक श्योर टू लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब बाय गाइस बाय टिके बाय 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 कितनी सोनी हूँ यार मतलब मैं ओ माय गॉड इतना इट्टी प्यारी अरे डैंड्रफ हो रही है मुझको बाय गाइस